सर्विसेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 30 मई 2021 और आज हम टाइटन के स्टॉक को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि टाइटन में आने वाले दिनों में किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रही है टाइटन का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में यहाँ पर अगर हम लास्ट 3 डेज के ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1575 के ऊपर लास्ट 3 डेज से ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इस डेली चार्ट को अगर थोड़ा सा छोटा कर दूं तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखेगा। ये जो पूरा रेड कलर का रेक्टेंगल है ये एक सप्लाई एरिया है और ये लगभग 1619 से लेकर तो 1573 का है। अब अगर हम इस सप्लाई एरिया को गौर से एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट हमें देखने को मिला है 1400 पे। यहाँ पर फ्रेश सप्लाई क्रिएट होने के बाद ऑन अ डेली बेसिस पे प्राइस नीचे आया और फिर से प्राइस ने एक लो प्राइस पे ट्रेड किया। यहाँ से प्राइस जब ऊपर आया तो इसने फर्स्ट पेनिट्रेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला और ये पेनिट्रेशन लगभग था 1587 के पास, जो कि ये सप्लाई है उसके चलते प्राइस फिर नीचे आया और इसने इस लो के नीचे एक लो प्राइस पे ट्रेड किया। फिर से यहाँ पे ऑन रिट्रेसमेंट बेस पे प्राइस ने एक अपसाइड जर्नी स्टार्ट की और इस टाइम प्राइस ने लगभग सप्लाई को पूरी तरह से पेनिट्रेट किया बट ऑन अ डेली बेसिस पे इस सप्लाई को ये तोड़ नहीं पाया। अगर आप देखेंगे तो जब यहाँ पे पूरी तरह से पेनिट्रेशन हो देखने को मिला तो 1614 पे पेनिट्रेशन हुआ और एक वन डे के ट्रेडिंग सेशन में ही जो प्राइस है वो इस सप्लाई में सस्टेन कर पाया और फिर से यहाँ पे जो भी बचा कुचा सप्लाई था उसके चलते प्राइस फिर से नीचे आया लगभग अपने प्रीवियस बॉटम के पास और लगभग 1400 के पास आने के बाद फिर से यहाँ पर एक बुलिश इनसाइड बार का पैटर्न बनाते हुए प्राइस यहाँ से फिर से अपसाइड ट्रेड करता हुआ हमें नजर आया। अगर हम लास्ट 3 डेज के ट्रेडिंग सेशन को गौर से देखेंगे तो अभी भी प्राइस जो है वो सप्लाई में सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने के लिए चलते इससे लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स आवर्डली चार्ट पे चलेंगे और आवर्डली चार्ट पे देखेंगे कि किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये जो आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है ये डेली चार्ट से आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इस लो को और इस लो को कनेक्ट करके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है और नीचे ये जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है ये एक डिमांड जोन है, जैसे कि जहाँ से 1458 से लेके तो 1425 का। सेकेंड डिमांड जोन यहाँ पर है 1533 से लेकर तो 1506 का। लेकिन हम अभी जो प्राइस एक्शन को स्टडी करेंगे उसके लिए चलते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे जो डेली ट्रेंड लाइन जा रहा है वहीं उसी के पास हमें जो प्राइस है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं इस आवर्डली चार्ट को बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पे हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है वो समझ लीजिए। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब भी प्राइस इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, 1580 के ऊपर जैसे ही निकलने की कोशिश करता है तो हमें इंस्टेंटली 1581 पे एंट्री लेना है और इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 1615 का हमारा टारगेट होगा फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट होगा 1660 का। तो इन दो टारगेट के लिए हम टाइटन को आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। 1 या 2 दिन के लिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहें तो स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पर ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं अगर आवरली बेसिस पे ये जो आपको छोटा सा जो ब्लू सॉरी येलो कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है इस रेक्टेंगल के नीचे प्राइस तो ट्रेड कर सकता है, नो प्रॉब्लम। बट इस रेक्टेंगल के नीचे अगर आपको कोई भी आवरली बेसिस पे, ये आवरली चार्ट है और आवरली बेसिस पे कोई भी कैंडल 1575 के नीचे आके क्लोजिंग देता हुआ दिखता है तब हमें इस ट्रेड को एग्जिट कर देना है या लेने से अवॉइड करना है। अगर हमें क्लोजिंग होता हुआ दिखता है आवरली चार्ट पे, तो अगर क्लोजिंग नहीं होता है तो हम इसे लॉन्ग ट्रेड के लिए ट्रेड करेंगे। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की ओर।
तो टाइटन का जून 1660 का कॉल हम बाय कर सकते हैं, जैसे ही प्राइस एक हल्का सा डिप देगा और लगभग इसके नीचे 20 रुपीज़ के नीचे, 20 से 16 रुपीज़ के आसपास हमें ये ट्रेड मिल जाना चाहिए, 20 रुपीज़ से नीचे भी आना चाहिए प्राइस इसका, तो इसको हम लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर अगर प्राइस आता है, जो फर्स्ट टारगेट हमारा 1600 और 1615 का है, तो लगभग हमारा जो टारगेट हो जाता है या 42 का होता है, लेकिन फर्स्ट प्रॉफिट हम यहाँ पे 34 पे यहाँ पे बुक कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जैसे ही आपने 20 रुपीज़ के नीचे एंट्री ली है, तो आप इस ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे, इसको आपको ऑन इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन को जैसे ही आपको प्रॉफिट होता है, उसे प्रॉफिट को बुक करना है एंड ट्रेड को एग्जिट कर देना है। तो ये था टाइटन का ट्रेड सेटअप। इस सेटअप को लेकर अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9860003400 पे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।